हाय एवरीवन, आप सबका मेरी छोटी सी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आलू की चीला बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये चीला कैसी बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उसको अच्छे से धो के उसका छिलका भी निकल लिया है। अब इन आलुओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उसको एक दो बार धो भी लिया है। अब इसको हम पानी में ऐसे डुबो के रख लेंगे ताकि हमारा जो आलू है वो काला ना पड़े। इस चीला को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काट कर लिया है, जैसे एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और ये जो बीट रूट है मैंने इसको 1/4 लिया है और एक गाजर और ये आधा कप पनीर को ग्रेट कर लिया है। अच्छा हो तो इसमें थोड़े से पत्ता गोभी, थोड़े से बीन्स भी डाल सकते हो। अब मैं आलू में से सारे पानी को ऐसे निचोड़ के निकाल लूँगी। यहाँ पे ध्यान रखना है आलू में थोड़ा सा भी पानी रहना नहीं चाहिए। ये आलू के चिला तो बहुत टेस्टी लगता है। और एक बात बताऊँ, हम रोज़ रोज़ वही वही नाश्ता खा करके बोर हो जाते हैं, तो कभी बहुत ही कम टाइम में और कुछ नया ट्राई करना है तो आप ये आलू के चीला ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपका ये चीला की रेसिपी कैसी बनी है। अब इन आलू में हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। आलू को हमने पानी से अच्छे से निचोड़ लिया था। अब लास्ट में हम पनीर को ऐड कर लेंगे। अब कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और एक चम्मच काला मरीच के पाउडर, एक चम्मच पिज़्ज़ा मिक्स और एक चम्मच नमक। अब इसमें दो बड़े चम्मच बेसन, दो बड़े चम्मच चावल का आटा और दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इन सारी चीज़ों में दो बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस हमारा जो बैटर है अच्छे से बन जाए उतना ही हमें पानी डालना है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच और डाल दिया मैंने यहाँ पे टोटल 3 बड़े चम्मच पानी डाला है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे सब्जियाँ डाला है और सब्जियों में से तो पानी निकलता ही है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। गैस ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें एक तवा पैन को रख लूँगी और इसमें थोड़ी सी ऑयल से इस पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब ऐसे थोड़े से बैटर लेंगे और इनको चारों तरफ से स्पैचुला के हेल्प से ऐसे फैला लेंगे। इस चीला को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस मीडियम साइज़ के छोटे छोटे चीला ही बनाना है। अब इनमें इन चीला के चारों तरफ थोड़े से ऑयल ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे। एक बात बोलूँ, इस चीला को आप ढकिए मत, अगर आप ढक लेंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ये चीला अच्छे से बनता नहीं है। आपको ये चीला को ऐसे ही आपको बनाना है और ये चीला 1 से 2 मिनट में बन ही जाता है। इसी तरह दूसरा चीला भी बना लेंगे। ये चीला बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम तेल में ये चीला बन के तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और हमने इसमें कितनी सारी सब्जियां भी ऐड किया है। अब मैं उसी तवा पैन में एक चीला को साइड करके दूसरा चीला भी बना लेंगे। अब ये दूसरी वाली भी चीला बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें सारे चीला बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इन चीलों को सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप इन चीलों को ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और सॉस और चटनी के साथ खाएंगे तो और भी मज़ा आ जाएगी इन चीलों को खाने में। ये चीला कितना सॉफ्ट
और टेस्टी बना है। तो मिलती हूँ नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।